तो भाई ऐसा है ना, सुबह हो गया लेकिन मेरा नींद खुला नहीं है क्योंकि हमारी मॉडल टाइम पे आज आ गई है, मतलब जितना सोचे थे उससे पहले ही आ गई है। तो आज पूजा है हमारी मॉडल, क्योंकि आई एम 52 में भी थी। और आज जो हम शूट करने वाले हैं ना, वो है ये वाला फोन। हमको भाई इसका पीछे का लुक इतना जबरदस्त लगा ना, क्या बताएं। ये सबसे स्लिम फोन में से है और सबसे लाइट वेट फोन में से है। ये है MI 11 लाइट NE 5G। तो इसका हम लोग टेस्ट करेंगे कि कैसा कैमरा है, इसका कैमरा कितना गर्दा उड़ाता है। और इसके साथ साथ जो है Nord 2 और M52, इन दोनों को भी ऐड करने वाला है। थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे इन लोगों के साथ, तीनों में से कौन सा फोन जो है सबसे ज्यादा गर्दा उड़ाता है। वैसे अगर बोला जाए तो प्राइस रेंज के हिसाब से Nord 2 थोड़ा एक्सपेंसिव है, और उस हिसाब से देखा जाए तो M52 और MI जो है दोनों आपको ज्यादा अच्छे बजट फ्रेंडली फोन है। तो कंपेयर करते हैं, और बहुत सारा फोटोज वगैरह जो है हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां जाइए, साइड में आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। और ऐसे सौरभ अनुराग के नाम से ID है मेरा, तो वहां जाके फॉलो कर सकते हैं और हमारी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। क्या यूजर नेम है जी तुम्हारा? पूजा प्रसाद 88। चलते हैं, इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सारा सेटिंग वगैरह कर लिया गया है फोन का भाई। वैसे इसमें काफी सारा फीचर्स दिया हुआ है, प्रो मोड दिया हुआ है तीनों कैमरा, मतलब मैक्रो में भी आप प्रो मोड यूज कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड में भी यूज कर सकते हो। बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। और एक एडवांटेज और है कि इसमें आप रॉ फोटोज तीनों कैमरा में क्लिक कर सकते हो। फीचर्स का बात करेंगे तो भाई इसमें बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, पैनोरमा। पैनोरमा जो है वो इंटरनेट खोज रहा है भाई डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड अभी कर नहीं सकते, इसमें सिम नहीं लगा हुआ है, तो इसको स्किप कर देते हैं, अभी फीचर ये नहीं है। वीलॉग मोड है, स्लो मोशन मोड दिया हुआ है, टाइम लैप्स जो है आप अल्ट्रा वाइड और 1x 2x में भी क्लिक कर सकते हो, 2x आपका डिजिटली शूट होगा। तो ये तीनों मोड में आप टाइम लैप्स शूट कर सकते हो। लॉन्ग एक्सपोजर मोड दिया हुआ है, ड्यूअल वीडियो मोड है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो वो ड्यूअल व्यू मोड में रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरा एक साथ ऑन कर सकते हो। भाई ये बहुत अच्छा फीचर है और हमको ये फीचर बहुत पसंद है कि आगे पीछे दोनों का वीडियो हो सकता है। तो एक क्लोन मोड भी है, वो भी हम दिखाते हैं, देखो कितना मस्त है। इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, आई डोंट नो दिख रहा होगा या नहीं, ये एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट मोड शॉट से विथ प्रॉपर लाइट। वैसे इसमें काफ़ी सारा फिल्टर, ब्यूटी मोड वगैरह दिया हुआ है, ये अलग अलग मोड है, तो मतलब मोड भरा हुआ है। आप जितना भी देख रहे हो फोटोज़ ना, वही सारा मोड्स है इसका, अलग अलग फिल्टर का। और अभी जो कुछ कुछ शॉट्स हम ले रहे हैं वो अगेंस्ट द लाइट ले रहे हैं, तो वो देखते हैं कि कैसा काम करता है। एकदम पीछे हार्श लाइट है। फोटोग्राफी के लिए तो ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा डायनेमिक रेंज था, लेकिन हाँ अगर पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहे हो तो आपको फेस का जो प्रायोरिटी है वो देना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि फेस ब्लैक नहीं करेगा, आपको पूरा ब्राइट रखेगा। अब हम लोग थोड़ा इसका जो मेन कैमरा है उसका थोड़ा बात करते हैं, और उसके बाद थोड़ा हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी फोन्स के साथ। तो अल्ट्रा वाइड सबसे पहले एंड देन 1x। अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल में स्विच करने में बहुत ज़्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं था। हाँ, डायनेमिक रेंज अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि फेस जो है वो भी ब्राइट था और बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही आपको आ गया था, तो डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट ठीक है इसका। तो अभी हम लोग तीनों फ़ोन, सेंटर पे जो है वो M52 है, और सबसे राइट साइड में जो हम फ़ोन इधर रख रहे हैं वो हम लोग का Nord 2 है। तो स्टार्ट जो करेंगे वो 1x मोड से करते हैं, तीनों में देखते हैं किसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये Nord 1 में कुछ अजीब टाइप का कलर नहीं लग रहा है, चलो अब वही है तो क्या कह जाए। अगर वाइड एंगल का बात करेंगे तो सबसे बेस्ट आउटपुट जो हमको इसमें लग रहा था वो सैमसंग का ही लगा, सबसे बेस्ट, मतलब नेचुरल कलर, थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड लग सकता है किसी किसी को, लेकिन बेस्ट इन तीनों में भी वही लगा। Nord 2 में जो है थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि वो फिल्टर्ड फोटो दे रहा है, क्रीमी फोटोज़ था, थोड़ा ब्राइट करके फोटोज़ दे रहा है, तो वो थोड़ा अननेचुरल लगा हमको। अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज जो सैमसंग के साथ है कि वो सबसे ज़्यादा हाईवेयर मेगापिक्सल में जाता है और सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू भी देता है। थोड़ा सा बूस्टेड कलर यहाँ भी है लेकिन आई प्लीजिंग है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम शॉट्स में हम देखे नोटिस किए वो MI का जो शॉट्स था वो ज़्यादा कलर नेचुरल लगा, और थोड़ा सा OnePlus Nord 2 का वॉश्ड आउट टाइप का फोटोज़ यहाँ पर भी लग रहा था। अगर जूम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सैमसंग का सबसे ज़्यादा अच्छा फोटोज़ दिख रहा था जूम करने के बाद। अब थोड़ा अगेंस्ट द लाइट लेते हैं कि तीनों कैमरा में कौन सा भाई सबसे बेटर डायनेमिक रेंज दे सकता है। पूरा हार्श लाइट है,
अगर डायनेमिक रेंज का बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको नॉर्ड 2 का थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा में अगर बात करेंगे खासकर तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर डायनेमिक रेंज मिलता है। हाँ, चैलेंजिंग सिचुएशन में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है नॉर्ड 2, लेकिन ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में आपको नॉर्ड 2 का जो डायनेमिक रेंज है वो सबसे बेस्ट लगेगा। वहीं अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो अल्ट्रा वाइड में भी आपको नॉर्ड 2 बहुत ही अच्छा काम करता है वैसे, लेकिन सबसे अच्छा जो डिटेलिंग वगैरह था वो सैमसंग में था, वो सैमसंग का सबसे अच्छा लगा। और अल्ट्रा वाइड में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपको फेस प्रायोरिटी जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे नॉर्ड और MI जो है वो थोड़ा ब्राइट फेस कर देता है, लेकिन सैमसंग में नेचुरल कलर रहेगा थोड़ा सा, और थोड़ा डार्क लग सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में आपको ज़्यादा बेटर लगेगा अगर डायनेमिक रेंज का बात करेंगे तो। लेकिन कहीं कहीं पर हमको MI 11 लाइट का भी जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही अच्छा लगा। ये 1080p 30fps का वीडियो है और इसमें आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन सारा कुछ ठीक है। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो तीनों में ही, ऑडियो सोर्स जो है हमारा फ़ोन ही है, तो आप देख सकते हो कि कैसा क्या इसमें आउटपुट आ रहा है, और सारा 1080p 30fps पे है। तो कैसा आपको क्वालिटी लग रहा है आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट इसमें लग रहा है ठीक है। और ये डायनेमिक रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका किसका फ़ोन का डायनेमिक रेंज सबसे बेस्ट है। एक जो एडवांटेज है कि आपको हम लोग Mi 11 में अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हैं, लेकिन नॉट 2 में हम लोग अल्ट्रा वाइड पे रिकॉर्ड करने के टाइम स्विच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप अल्ट्रा वाइड का डायनेमिक रेंज चेक कर सकते हो किसमें सबसे बेस्ट आउटपुट आ रहा है, फिर से वापस 1x पे स्विच कर लेते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो 4K 30fps में रिकॉर्ड हो रहा है, सारा फोन 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है जो सैमसंग में अल्ट्रा में स्विच कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के टाइम, क्योंकि बाकी फ़ोन्स आपको 4K अल्ट्रा वाइड सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज कर सकते हो कि किस में आपको बेस्ट डायनेमिक रेंज मिल रहा है और स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। मेरे ख्याल से 4K में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी स्टेबलाइजेशन जो है नॉट 2 में मिलेगा, लेकिन कमेंट करके आप बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है तीनों में। अगर फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो भाई फ्रंट कैमरा में हम लोग सिर्फ 4K जो है वो सिर्फ M52 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये विथ लाइट है, आप देख रहे हो अभी विथ लाइट हम लोग शॉट ले रहे हैं, सन सामने से आ रहा है। तो आप अब अगेंस्ट द लाइट देख सकते हो कि डायनेमिक रेंज जो है सबसे ज़्यादा किस में है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो वाइडर व्यू दे रहा है वो नॉट 2 है, और बाद बाकी सारे में भी अच्छा ही है, लेकिन क्वालिटी वाइज आप कमेंट करके बताओ वो भी कि आपको कौन सा तीनों के सेल्फी में मतलब फ्रंट कैमरा में वीडियो अच्छा लगता है। टाइम लैप्स का बात करेंगे तो भाई टाइम लैप्स जो है हम लोग अल्ट्रा वाइड में सिर्फ और सिर्फ MI 11 लाइट 5G में शूट कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड में, बाकी दोनों फ़ोन्स में आपको अल्ट्रा वाइड में सपोर्ट नहीं है। लेकिन M52 में जो है स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हो, लेकिन नॉट 2 में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा इसका। और इतना देर शूट करने के बाद सबसे ज़्यादा जो हीट हुआ है फ़ोन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो वो नॉट 2 है, सबसे ज़्यादा हीट जो है वो नॉट 2 है। सेकेंड में जो है हम लोग का MI 11 लाइट 5G है एनी वर्जन जो है। थर्ड में आपका M52 है, M52 सबसे कम हीट हुआ इतने देर में प्रोसेस करने में, तो भाई ये डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ पे एक एडवांटेज जो M52 में मिल जाता है। पैनोरमा जो है आप तीनों फोन में शूट तो कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वाइड जो सिर्फ सपोर्टिव है वो सिर्फ M52 में सपोर्टिव है, और बाकी मेन कैमरा से शूट किया हुआ है दोनों फोन में। सब कुछ हो गया, अब तीनों फोन में हम लोग सेल्फी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। अब पोर्ट्रेट मोड, अगर प्रो वीडियो मोड का बात करेंगे तो वो आपको MI 11 लाइट में मिल जाता है, वो भी तीनों कैमरा में प्रो वीडियो मोड। सैमसंग में भी आपको मेन कैमरा में मिल जाएगा, लेकिन नॉर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो मोड मिलेगा, और फोटो मोड भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप मेन कैमरा में यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड वगैरह में नहीं क्लिक कर सकते हो। प्रो फोटो मोड का बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको MI 11 में आपको जो है सबसे बेस्ट मिल जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड मैक्रो तीनों में आप प्रो फोटोज क्लिक कर सकते हो,
M52 में जो है प्राइमरी कैमरा सिर्फ काम करेगा, और Note 2 में भी जो है वो प्राइमरी कैमरा काम करता है, रॉप शूट कर सकते हो तीनों ही फोन्स में। फीचर्स की बात करेंगे तो MI 11 में जो है नाइट मोड, 64 मेगापिक्सल मोड, शॉर्ट वीडियो मोड मिल जाता है छोटा छोटा वीडियोस बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट मोड, वीलॉग मोड भी है, वीलॉग मोड में आप तरह तरह का शूट कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में, मूवी इफेक्ट मोड है, मूवी इफेक्ट में जो है आप तरह तरह का अलग अलग इफेक्ट, डॉली जूम वगैरह, स्लो शटर शूट कर सकते हो, टाइम फ्रीज मोड दिया हुआ है, नाइट टाइम लैप्स मोड भी दिया हुआ है, और पैरेलल वर्ल्ड मोड भी दिया हुआ है। तो मतलब फीचर्स के मामले में आपको जो है MI में सबसे ज्यादा फीचर्स मिल जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर मोड भी है, लॉन्ग एक्सपोजर मोड में आप लो लाइट में बहुत जबरदस्त जबरदस्त फोटोज क्लिक कर सकते हो, और क्लोन मोड तो है ही, क्लोन मोड में आप एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्लोन बना सकते हो। तो फीचर्स के मामले में आपको MI सबसे ज्यादा एडवांटेज देगा। M52 में जो है नॉर्मली एयर डूडल मोड, पैनोरमा मिल जाता है दोनों में, फूड, नाइट मोड, मैक्रो भी ले सकते हो। तो मैक्रो जो है हम लोग ले सकते हैं इसमें, तो हम लोग चलते हैं अब थोड़ा मैक्रो वगैरह क्लिक करते हैं, देखते हैं कि भाई किस में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैक्रो आता है। अगर मैक्रो पिक्चर्स की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट आउटपुट जो हमको यहाँ पे लगा वो MI का लगा है, क्योंकि इसमें 50mm मैक्रो दिया हुआ है। हम कुछ शॉट्स इंडोर में भी लिए हैं, पोर्ट्रेट खासकर, और एक्सटर्नल लाइट वगैरह यूज़ करके लिए हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमको इस सिचुएशन में जो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी फ़ोन्स के लिए कि शेडोज़ और हाईलाइट को मेंटेन करना, तो ऐसे सिचुएशन में सैमसंग सबसे बेस्ट आउटपुट हमको दिया, मतलब ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में। OnePlus Note 2 का फोटोज़ जो था थोड़ा सा वास्ट आउट दिखा, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। MI 11 लाइट मिडिल में ही बोल सकते हैं, कभी अच्छा कभी थोड़ा ब्लोन आउट फोटोज़ दिया, लेकिन ओवरऑल तीनों फ़ोन बहुत अच्छा काम किया है। और पोर्ट्रेट वीडियो जो है वो हमको सिर्फ Note 2 में मिलता है पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट, तो ये एडवांटेज एक है Note 2 के लिए कि बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, जिसमें बैकग्राउंड में जो है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बोके आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो जैसा, तो ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी का बोके दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना है तो आप उसके लिए Note 2 प्रीफर कर सकते हो। वैसे किसी भी कैमरा का असली औकात जो है लो लाइट में पता चलता है, बात सही है ना अमन? तो ऐसा है कि अब थोड़ा रात हो गया है, और ऐसे हम सभी को पता है कि मेन कैमरा के मामले में यहाँ पे कौन गर्दा उड़ाने वाला है, तो हम लोग थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं तीनों फोन्स का कि लो लाइट में कौन सा कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। अगर नाइट मोड फोटोज़ का बात करें तो लो लाइट में थोड़ा सा OnePlus में एडवांटेज मिल जाता है कि OISS में, और OnePlus में और MI में थोड़ा सा एक चीज़ देखें कि बिना नाइट मोड ऑन किए थोड़ा स्लो शटर खींचता है, सैमसंग में ये चीज़ नहीं था। और नाइट मोड ऑन करने के बाद तीनों ही फ़ोन बहुत अच्छा काम किया, लेकिन प्राइमरी कैमरा के मामले में जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे Note 2 हमको ज़्यादा बेटर एडवांटेज दिया, लो लाइट में भी ज़्यादा अच्छा फोटोज़ हमको Note 2 का लगा प्राइमरी कैमरा में। अल्ट्रा वाइड में हमको सैमसंग का फोटोज़ ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर का शटर भी खींच रहा था, और थोड़ा उसका पता नहीं क्वालिटी वाइज थोड़ा सा बेटर लगा हमको दोनों से। ये 1080p 30fps का वीडियो टेस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो किसमें ज़्यादा बेटर लो लाइट वीडियोज आता है, किसका स्टेबिलिटी बेटर है, वो आप टेस्ट कर सकते हो इसमें। ये अल्ट्रा वाइड का 1080p 30fps का वीडियो टेस्ट है लो लाइट में, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि किसमें ज़्यादा बेटर वीडियो आ रहा है। जैसा डिस्प्ले में देख के हमको लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा बेटर जो वीडियो है वो M52 में दिख रहा है, तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है आपको सबसे बेटर परफॉर्मेंस लो लाइट के अल्ट्रा वाइड में और मेन कैमरा वाइड एंगल में आपको कौन सा लग रहा है। ये 1080p 30fps का सेल्फी वीडियो है, फ्रंट कैमरा का वीडियो टेस्ट है, आप इसमें कमेंट करके बताओ कि भाई आपको कौन सा बेटर सबसे बेटर लग रहा है। आप स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्वालिटी भी देख सकते हो कि किसमें बेटर लो लाइट में वीडियो आ रहा है।
वैसे MI में आपको स्लो शटर वाला लो लाइट इफेक्ट भी मिल जाता है, जो कि अभी हम शूट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है भाई, स्लो शटर इफेक्ट। मज़ा आ रहा है इसमें शूट करने में, बैकग्राउंड एकदम अजीब सा ड्रामेटिकली घूम रहा है सारा कुछ। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि MI में आपको फीचर्स बहुत सारा मिल जाएगा, सैमसंग में आपको बेस्ट क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड फोटो वीडियोस मिल जाता है, और नॉर्ड में आपको जो प्राइमरी सेंसर है वो सबसे स्ट्रांग है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा। वैसे सैमसंग में भी आपको कुछ और मोड्स मिल जाता है, जैसे सिंगल टेक मोड है, फन मोड है जिसमें आप स्नैपचैट का फिल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो नॉर्ड 2 में मिल रहा है तो उसमें ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो अल्ट्रा वाइड है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है अगर देखा जाए तो कुछ कुछ मामले में। पहले जो नॉर्ड आता था उससे काफी ज्यादा इसमें कम कर दिया गया है, तो ये थोड़ा अगर इंप्रूव किया जाता तो बहुत ही अच्छा रहता नॉर्ड 2 के लिए। डेफिनेटली दोनों फोन जो है नॉर्ड 2 से सस्ता है, तो वो भी चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका प्राइस अराउंड 30,000 के अराउंड में ऑलमोस्ट आ जाता है, और ये आपको अराउंड 25-26,000 में दोनों ही फोन अराउंड मिल जाता है। बोला जाए तो तीनों फोन गर्दा तो उड़ाता है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा फोन है जो सबसे ज्यादा गर्दा उड़ाता है आप कमेंट करके बताइए। हम तो भाई हमेशा के लिए चूज करेंगे, अगर ओवरऑल सारा कुछ लेना है तो M52 चूज करेंगे, क्योंकि हमको अल्ट्रा वाइड बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो हमको चाहिए ही चाहिए होता है। आप कमेंट करके बताइए, गर्दा उड़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।